नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। उत्तर प्रदेश में 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। पहले चरण में यूपी के 45,41,000 बच्चों के कोवैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी औपचारिक शुरुआत की है। सुबह 8 बजे योगी आदित्यनाथ लखनऊ के सिविल अस्पताल पहुंचे। पहली बार वैक्सीनेशन कराने वाले नौनिहालों से सीधे रूबरू भी हुए। इस दौरान लखनऊ में हमारे सहयोगी अश्विनी द्विवेदी ने लोगों से बात की। क्या कहना है लोगों का, आप भी सुनिए। प्रदेश में एक बार फिर कोविड के खिलाफ जंग को तेजी दी गई, क्योंकि अब जो बारी है वैक्सीन लगने की वो 12 साल से 14 साल के बच्चों की है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने आज सिविल अस्पताल पहुंचकर निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उन बच्चों को जिनको वैक्सीन लगनी थी बकायदा उनसे आज उनसे बातचीत की और उनको चॉकलेट लग दी। बेटा आपको वैक्सीन लगी, अभी तक स्कूल जाने में आपको डर लगता होगा, आपको कैसा फील कर रहे हैं? अब बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम वैक्सीनेटेड हो गए तो एकदम मुझे कोई डर नहीं करो ना, मेरे को हो सकता है उसकी कोई भी वेरियंट या कुछ भी, उसके एंटीबॉडीज कुछ भी मेरी बॉडी को इफेक्ट नहीं कर सकते हैं। मुझे इसका बहुत खुशी है। मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों से बात की, क्या कहा आप लोगों से? उन लोग ने पूछा आप लोगों को डर तो नहीं लग रहा? आप लोग एकदम डरिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि वैक्सीनेशन एकदम सेफ है, आप लोग करवा सकते हैं, बिना डरे आप लोग वैक्सीनेशन करवाइए। निश्चित तौर पर ये वो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं अभी तक जो वैक्सीन इनको नहीं लगी थी, लेकिन आज इनके भी वैक्सीन लगना शुरू हो गई, क्योंकि एक सबसे ज़्यादा चिंता का विषय था जो छोटे बच्चे थे उनके लिए चिंता का विषय था, क्योंकि ना तो उनके लिए कोई दवाइयाँ थी जिससे वो कोविड से लड़ सके, ना तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ थी जी कि वो कोरोना के जंग चीज से। बेटा आपको भी वैक्सीन लगी, मुख्यमंत्री जी ने क्या बात किया? मुख्यमंत्री जी ने मुझसे पूछा कि वैक्सीन लग गई आपको, मैंने बोला यस। सर ने कहा कि आपको दर्द तो नहीं हो, मैंने बोला नहीं। चॉकलेट भी दी ना आपको? निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री आए, खुद यहाँ पर स्थल निरीक्षण किया, जायजा लिया बच्चों से और उनसे बातचीत की, कहा कि पूछा भी कि आपको दर्द तो नहीं हुआ, कि आपको कैसा फील कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों की, क्योंकि अब तक देखा जा रहा था कि बच्चे जो थे वो छोटे बच्चे उनको काफ़ी समस्याएं हो रही थी। साथ ही साथ एक व्यवस्था और आज से की गई कि बूस्टर डोज है वो लगना शुरू हो रहा है, बूस्टर डोज लगेगा आज से। निश्चित तौर पर जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं उनको लेकर के भी बूस्टर डोज लगेगा। निश्चित तौर पर अब जो आगे की व्यवस्थाएं हैं वो ये होगी कि लगातार इन पर फोकस किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो वैक्सीन है वो लगाई जाए, जल्दी से जल्दी लगाई जाए, जिससे कोविड की इस जंग को जीता जा सके और उत्तर प्रदेश ने जिस तरह से कोविड के खिलाफ जंग लड़ी उसको उसमें कामयाबी पाई जा सके और छोटे जो बच्चे हैं उनको भी सुरक्षित किया जा सके। लखनऊ से न्यूज इंडिया के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी अमित सैनी के साथ। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के बाहर खड़ी कार में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उधर बिजनौर में एक दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग में करीब लाखों का माल जलकर खाक हो गया तो लखनऊ के पुरनिया कबाड़ मंडी में भीषण आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस भी, साथ ही फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तो ये तीन तस्वीरें हैं आग लगने की घटना हुई है, बिजनौर में, लखनऊ में, रायबरेली में और बिजनौर में, जहां फायर ब्रिगेड पहुंची हुई थी और इस आग को बुझाने की कोशिश की गई, तो वहीं लखनऊ में आग ने लाखों का नुकसान भी कर दिया। रायबरेली में संदिग्ध हालात में कार में आग लग गई। ये तीन तस्वीरें हैं जहां फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची और आग पर काबू भी पाया गया। बिजनौर की तस्वीर है, लखनऊ की तस्वीर है, रायबरेली की तस्वीर है जहाँ अचानक आग लगी है। खबर अमेठी से, जहां ग्राम समाज की जमीन को लेकर हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। इसके बाद एक परिवार ने लाठी डंडों और धारदार हथियार से दूसरे परिवार पर हमला कर दिया। इस संघर्ष में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हैं। मामला अमेठी के गुंगवास के राजापुर कोहार का है। यहां रहने वाले संकटा प्रसाद के घर के पास ग्राम सभा की जमीन पड़ी है। इस पर गाँव के ही रामदुलारे ब्रजेश और अखिलेश ने जबरन कब्जा कर लिया है। जब संकटा प्रसाद ने मना किया तो कब्जा करने वाले लोगों ने संकटा प्रसाद और उसके परिजनों पर हमला कर दिया। वहीं सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है जबकि घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वारदात की सूचना पर मौके पर पहुंचे आईजी रेंज अयोध्या केपी सिंह और जिलाधिकारी समेत भारी पुलिस बल ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने वारदात में शामिल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। आईजी रेंज ने कहा वारदात में शामिल आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये अभी शाम को सूचना मिली है थोड़ी देर पहले कि शाम को दो पक्षों में एक ही गांव के दोनों पक्ष से यादव लोग थे
और उनसे आबादी की जमीन को लेकर विवाद था, मारपीट आपस में हुई है, तो दोनों पक्ष के लोग घायल हैं, एक पक्ष को ज़्यादा घायल हैं और तीन लोगों के मरने की सूचना है। कुछ लोग वहाँ जो हॉस्पिटल भेजे गए वहाँ से उनको डिक्लेयर डेड कर दिया गया और जो लोग घायल हैं सबको हॉस्पिटल भेज दिया गया, कुछ को रेफर कर दिया गया, कुछ का इलाज मौके पर किया गया। हमारे घर के बगल थोड़ी जगह थी और वहाँ पे बड़े भैया रहते थे हाँ, और जो जिन बगल वाले की जगह थी वो भी वहाँ पे बना रहे थे। क्या नाम है उनका बगल वाले का? बिगेश दुलारे जी। तो वही जगह थी, उनकी भी जगह थी, हमारी भी जगह थी, अपनी जगह से थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहे थे वो, तो हम लोगों ने उन्हें रोका, फिर थाना पुलिस हुआ, समझौता हुआ, उसके बाद फिर वो लोग मान गए। अब रात में काम शुरू करते हैं, बस देख रेख के लिए गए थे घर वाले, बस इतने में मारने लगे। हमारे साथ घटना घटी है, भैया हमारी जगह बना रहे हैं घर, उसको रोकने गए थे, मार दिया सब कोई को। कौन मारा? दुलारे मारा, अखिलेश मारा, अभिजेश मारा, नितिन तिवारी मारा। कितने लोग घायल हुए आपके परिवार के? हमारे परिवार के, हमारे ससुर घायल हो गए भी हो सा, हम दूठी प्रधान हमारे खत्म हो गए, जेठौत हमारे और हमारे हनुमान जेठौत वो भी हो सा, हमारे प्रधानी धनु देवी जेठानी वो भी हो सिया, प्रधान के बेटवा राजा उनके बहुत गहरी चोट नोक लागी है। ये अभी नहीं, ये देखिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये जो मृतक पक्ष और जो लोग मारने वाले हैं ये दोनों पट्टीदार हैं, एक ही जाति के लोग हैं और ये आबादी की ज़मीन को लेकर के विवाद था और उस विवाद में पुलिस ने उन लोगों को रोक भी दिया था, लेकिन आज एक पक्ष द्वारा वहाँ पर बालू गिराया गया और इस पर तात्कालिक विवाद हुआ और लाठी डंडों की चोट आई है लोगों को, तो दो लोग तो हॉस्पिटल में डेथ हुई, फिर एक आदमी की और हुई इलाज के दौरान और फिर यह भी पता चला है कि एक व्यक्ति की और मृत्यु हो गई और उसमें जो मुलजिम है उसमें से चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज दिनांक 15 तारीख को शाम के समय ग्राम पूरे राजापुर गुंगवाच थाना अमेठी में यादव पक्ष के दो पटीदारों में जमीन के आपसी विवाद को लेकर लाठी डंडे से मारपीट घटना हुई है, जिसमें एक पक्ष के तीन लोगों की मृत्यु हो गई है और शेष करीब 5-6 लोग घायलों का इलाज चल रहा है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए यहां से रेफर किया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अभी तो गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित कर दी गई हैं, शीघ्र ही घटना में शामिल अभी तो गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कल थाना अमेठी के गुंगवाच गाँव में एक अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें कि दो पक्षों में भूमि विवाद के चलते लाठी डंडों से हुई मारपीट में 7 लोग घायल हुए और उसमें से 4 मजरूहों की दुखद मृत्यु हुई। इस प्रकरण में जो वादी पक्ष है, पीड़ित पक्ष अमरीश यादव, और जो अभियुक्त पक्ष है रामदुलारे यादव, ये पारिवारिक रूप से पट्टीदार हैं। इनके बीच में एक भूमि विवाद था जिसमें दोनों पक्षों को समय निस्तारण होने तक निर्माण से रोक दिया गया था। कल 15 मार्च को आकस्मिक रूप से इनके बीच में विवाद हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जो रामदुलारे यादव का पक्ष है उसने लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी, जिसमें कि अमरेश यादव के पक्ष के 7 लोग घायल हुए, जिसमें से उपचार के दौरान 4 की मृत्यु हुई। प्रतापगढ़ के एमएलसी अक्षय प्रताप उर्फ गोपाल को एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट 22 मार्च को सजा भी सुनाएगा। वहीं एमपी एमएलए कोर्ट का फर्जी पता देकर रिवॉल्वर का लाइसेंस हासिल करने के मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया है। एफटीसी कोर्ट द्वितीय के जज बलराम दास जायसवाल की कोर्ट में ये दोषी सिद्ध हुए हैं। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के एमएलसी अक्षय प्रताप उर्फ गोपाल पर फर्जी एड्रेस दिखाकर असलहे का लाइसेंस लेने का गंभीर आरोप था। वहीं 1997 में तत्कालीन कोतवाल डीपी शुक्ला ने नगर कोतवाली में संगीन धारा में मुकदमा दर्ज कराया था। खबर फतेहपुर से, जहां नई तहसील में एकाएक माहौल इस वक्त गर्मा गया है। जब किसानों ने लेखपाल पर वसूली का आरोप लगाया तो लेखपालों ने किसानों पर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। काफी देर तक तहसील परिसर में गर्मा गर्मी चलती रही, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच हालात पर काबू पाते हुए मामले को रफा दफा कर दिया।
किसानों ने लेखपाल पर वसूली का आरोप लगाया, जिसके बाद तहसील परिसर में गर्मागहमी का माहौल देखने को मिला। हालांकि पुलिस ने मामले को रफा दफा करवा दिया। वहीं किसानों ने लेखपाल पर वसूली का आरोप लगाया तो लेखपाल ने किसानों पर अभद्रता करने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद बहस हुई और फिर पुलिस ने पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए शांत कराया। बुलंदशहर में होली पर पीएम मोदी के मुखौटों की धूम देखने को मिल रही है। युवाओं और बच्चों के लिए सिर चढ़कर पीएम मोदी का क्रेज देखने को मिल रहा है। बाजार में अलग अलग डिजाइन के मोदी मुखौटों की जमकर बिक्री हो रही है। वहीं मोदी मुखौटों की डिमांड बढ़ने से व्यापारियों में काफी खुशी का माहौल है। शहर की ये तस्वीरें हैं जहां युवाओं और बच्चों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के खासा क्रेज देखने को मिल रहा है। होली के लिए लोग प्रधानमंत्री के जैसे मुखौटे जो तैयार किए गए हैं उसको लेने के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं और व्यापारियों में भी इस वजह से हर्षोल्लास है, खुशी का माहौल है। हापुड़ में यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा गढ़ मुक्तेश्वर। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, तार चोरी कर भाग रहे थे बदमाश। मुठभेड़ में दो बदमाशों के पैर में लगी गोली, घायल समेत एक दर्जन बदमाश गिरफ्तार। तो गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा गढ़ मुक्तेश्वर गूंज उठा जब पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि बदमाश तार चोरी कर भाग रहे थे, जिसके बाद ये मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दो बदमाशों के पैर में गोली भी लगी है। घायल समेत एक दर्जन बदमाश गिरफ्तार। हापुड़ में यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा गढ़ मुक्तेश्वर उस समय गूंज उठा जब पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। वहीं फिल्म को लेकर थिएटरों में तरह तरह की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि पूरा मामला अलीगढ़ के नई बस्ती के सीमा टॉकीज का है, जहां फिल्म द कश्मीर फाइल्स का प्रिंट खराब होने को लेकर थिएटर में फिल्म देख रहे ग्राहकों ने बवाल मचा दिया, जिसके बाद क्षेत्र में जमकर हंगामा हो गया। वहीं थिएटर में हंगामे की सूचना पर पहुंची क्षेत्रीय पुलिस ने ग्राहकों को समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया। फिल्म देख रहे ग्राहकों का कहना था कि राज्य सरकार द्वारा द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर टैक्स फ्री किया गया है, लेकिन थिएटर संचालक ने फिल्म के टैक्स समेत पूरे पैसे वसूल किए हैं। उसके बावजूद भी फिल्म का प्रिंट बहुत ज्यादा बेकार आ रहा है। चंदौली में पुलिस प्रशासन ने प्रतिबंधित थाई मांगुर की प्रजाति को भारी मात्रा में पकड़ा है। प्रतिबंधित मछली की प्रजाति को दो ट्रकों पर लादकर कोलकाता से अंबाला ले जाया जा रहा था, जिसे बिछिया स्थित विकास भवन के समीप मत्स्य विभाग और पुलिस दल ने पकड़ लिया। मछलियों की प्रजाति की पहचान पुष्टि होने के बाद पुलिस ने दोनों ट्रकों में लदे थाई मांगुर मछली को अपने कब्जे में ले लिया, जिसे पुलिस ने जिलाधिकारी संजीव सिंह की ओर से गठित समिति के सक्षम गड्ढा खोदकर उसे नष्ट करने की कार्रवाई में जुट गई। इससे प्रतिबंधित प्रजाति की मछलियों का कारोबार करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं लखनऊ में नगर निगम कर्मचारी और पूर्व पार्षद प्रत्याशी के पक्ष में बवाल हो गया, जिसमें नगर निगम कर्मचारी ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें युवक का सिर फट गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामला चौक थाना क्षेत्र के अशरफाबाद का है। मुजफ्फरनगर में चरथावल विधानसभा सीट पर कांग्रेस के नारे लड़की उलट सकती हूं को परवान चढ़ाने की नियत से चुनाव मैदान में उतरने वाली प्रत्याशी यास्मीन राणा ने अपने पति अरशद राणा पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके चलते कांग्रेस प्रत्याशी की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने उसके पति अरशद राणा समेत कई लोगों पर गैंगरेप और अन्य कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
खबर नोएडा से, जहां वाहन चोरों से सेक्टर 113 पुलिस की मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से बदमाश सुनील कुमार घायल हुआ। दूसरे बदमाश को कॉम्बिंग के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। वाहन चोरी के मामले में वांछित था बदमाश सुनील कुमार। चोरी हुए ई रिक्शा समेत दो तमंचे भी बरामद किए गए हैं। तो नोएडा में ये वारदात हुई है, जहां पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, तो वहीं एक बदमाश को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। वाहन चोरी के मामले में वांछित थे बदमाश सुनील कुमार और चोरी हुए ई रिक्शा समेत दो तमंचे भी पुलिस ने बरामद किए हैं। गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान को उत्तर प्रदेश में एमएलसी के होने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। डॉक्टर कफील खान को गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में हुई बच्चों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर निलंबित किया गया था। डॉक्टर कफील खान ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की और गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजडी पर लिखी पुस्तक भेंट की। गोरखपुर के चर्चित चिकित्सक डॉक्टर कफील खान को देवरिया कुशीनगर स्थानीय निकाय विधान परिषद सदस्य के होने वाले चुनाव में सपा ने प्रत्याशी बनाया है। तो सपा ने डॉक्टर कफील खान को एमएलसी उम्मीदवार बनाया है। डॉक्टर कफील खान अखिलेश यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे और इस दौरान डॉक्टर कफील खान ने अपने द्वारा लिखित पुस्तक भी उन्हें भेंट की है। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन ने आगरा के सीएचसी शमशाबाद पहुंचकर वार्ड ओटी लेबर रूम लैब का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने सीएचसी के पास अवैध क्लिनिक चलने पर चिकित्सा अधीक्षक को फटकार लगाई। साथ ही चिकित्सा अधिकारी धर्मेश श्रीवास्तव को हटाने का फैसला किया। आपको बता दें कि आशा की शिकायत के बाद अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने नाराजगी जाहिर करते हुए पास में चल रहे अवैध क्लिनिक को भी सीज कराया। तो अवैध क्लिनिक चलाने पर फटकार भी लगाई है। एसीएस अमित मोहन निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, जहां इस दौरान उन्होंने लेबर रूम का निरीक्षण किया, साथ ही पूरे हॉस्पिटल का सीएचसी शमशाबाद का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने फटकार भी लगाई। अमित मोहन ने हॉस्पिटल के पास ही अवैध रूप से क्लिनिक चलाने पर ये फटकार एसीएस मोहन ने लगाई है। एसीएस अमित मोहन सीएचसी शमशाबाद का निरीक्षण करने पहुंचे थे, इस दौरान अवैध रूप से क्लिनिक संचालित करने पर उन्होंने फटकार भी लगाई। उत्तराखंड में करारी हार के बाद कांग्रेस नेता में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष रणजीत रावत के आरोप के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सफाई दी है। हरीश रावत ने भावुक होकर कहा कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे खड्डे में दबा दिया जाए। टिकट और पार्टी के पोस्ट बेचने के आरोप पर हरीश रावत ने कहा कि होलिका जल रही है। कांग्रेस हरीश रावत नाम की बुराई को भी उसमें चलाते। बुढ़ापे में शायद मेरे भाग्य में यही बता था कि मुझसे कहा गया है जा रहा है कि मैंने टिकट भेज दिए। भाजपा वाले लगे हैं मेरे पीछे ये कहने में कि कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान मैंने दे दिया, वो मुझ पर ज़बरदस्ती उसको चिपकाने में लगे हैं। पड़े मैं दो लात मारने के लिए हमारे अपने लोग भी कह दे रहे हैं कि साहब मैंने टिकट भेज दिया। अब भैया टिकट भेजे हैं तो ऐसा व्यक्ति तो नहीं चाहिए कांग्रेस के अंदर, इसलिए मैंने कांग्रेस को ऑफर किया है, बल्कि भगवान से प्रार्थना की है। अब कांग्रेस को क्या ऑफर करूं, इस समय सभी तकलीफ में हैं, ये समय कुछ कहना जो है वो ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने भगवान से प्रार्थना की है, भगवान कांग्रेस मेरे खिलाफ़ कार्रवाई करे। एक व्यक्ति जो इतने पदों से नवाजा गया हो और सब कुछ किया गया हो, यदि वो टिकट बेचता है, पद बेचता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति की तो सार्वजनिक कांग्रेसी में क्यों सार्वजनिक जीवन में जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो ऐसे हरीश रावत को उत्तराखंड वालों को चाहिए कि पकड़ करके खड्ड में दबा दें। हाँ, खड्ड में दबा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि चुनाव से पहले उठे मुस्लिम यूनिवर्सिटी विवाद की जांच की जाएगी। गोदियाल ने कहा, जब कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलना कहीं भी नहीं था और ये व्यक्ति विशेष द्वारा अपनी बात रखी गई, लेकिन बीजेपी द्वारा उसी को मुद्दा बनाया गया और इस लिहाज से उस व्यक्ति द्वारा कहा गया, उसके बारे में कांग्रेस जांच करेगी। गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस के अंदर भीतरघात हुआ है। गोदियाल ने यह भी कहा कि हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें आखिरकार लालकुआ भेज दिया गया।
सत्य है कि एक व्यक्ति ने एक यूनिवर्सिटी खोलने की बात कही और वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि उसमें वो कोई कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी वो व्यक्ति नहीं था, वो कांग्रेस की थीम लाइन नहीं थी, वो कांग्रेस की पॉलिसी में कहीं नहीं था यूनिवर्सिटी खोलने का, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा। अब ये जांच का विषय है, पड़ताल का विषय है कि उस व्यक्ति ने अपनी मर्जी से कहा, किसी के कहलाने पर कहा, किसी के उकसाने पर कहा, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उस चीज़ को तिल का ताड़ बना दिया। प्रधानमंत्री जी ने उस बात को स्वयं अपने मुँह से कह दिया और उसके बाद कांग्रेस पर उस बात को ज़बरदस्ती चिपका दिया गया कि कांग्रेस ने बोला, कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस का कहना अगर प्रीतम सिंह जी कहते, हरीश रावत जी कहते, मैं कहता, कोई और प्रभारी जी कहते, कोई सीनियर लीडर कहता तो बात मानी जाती। एक कार्यकर्ता ने मांग की और वो कार्यकर्ता ने मांग की और उसको कांग्रेस का थीम लाइन बना दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का वोटों के ध्रुवीकरण करने का जो प्रयास था। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन चुकी है। मुख्यमंत्री कौन होगा, कैबिनेट में किसे किसे जगह मिलेगी, इस पर कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें कि इस बार 9 मंत्री जहां चुनाव जीतकर वापस आ गए तो एक मंत्री यतीश्वरानंद चुनाव हार गए, जबकि 3 मंत्रियों के पद अब रिक्त हो गए हैं। सूत्रों की माने तो मौजूदा मंत्रिमंडल में फेरबदल देखने को मिल सकता है। चुनाव जीतकर आए रितु खंडूरी और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 4 बार जीतने वाले इस बार के भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रीतम पवार भी कतार में हैं, जबकि मंत्री रहे और शिक्षा मंत्री का मिथक तोड़ने वाले अरविंद पांडे भी मंत्रिमंडल के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। देखिए ऐसा है, मैं जैसा संगठन निर्णय लेगा, यमकेश्वर से मुझे कोटद्वार भेजा, मैं वहाँ गई, वहाँ से जीत कर आई हूँ, तो एक डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता हूँ। जो संगठन कहेगा, जैसा संगठन कहेगा वैसा होगा। आपके सीट पर योगी जी भी आए थे, कुछ माना जाए योगी मैजिक भी रहा? बिल्कुल रहा, जबरदस्त योगी मैजिक। और जिस तरह का कार्यक्रम हमने कोटद्वार में किया वो 22 सालों में लोग कहते हैं पहली बार ऐसा इतना जबरदस्त कार्यक्रम हुआ, तो बिल्कुल योगी मैजिक तो था ही। यह व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है, यहाँ संगठन को महत्व दिया जाता है। संगठन का जो निर्देश होगा, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो इनका आदेश होगा उस आदेश का 100% पालन किया जाएगा। हम लोग तो छोटे से कार्यकर्ता हैं, विधायक पार्टी ने बनाया है, ये पार्टी का हम पे बहुत बड़ा एक एहसान है। और हम लोग के यहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, कोई मंत्री नहीं होता, जो संगठन का निर्देश होगा, जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। यह मिथक भी टूटा है तो यह उत्तराखंड प्रदेश की जो महान जनता है इनकी वजह से है, भगवान की कृपा है। और जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी हैं, जो नए भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, उसी पे आम जनता ने मोहर लगाई है, हम उसकी वजह से जीते हैं। यह मिथक भी उनकी वजह से टूटा है, इसमें मेरा व्यक्तिगत कोई योगदान नहीं है। निश्चित तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेगी बहुत अच्छा निर्णय लेगी, और जो भी निर्णय पार्टी का होगा हम पार्टी के निर्णय के साथ। तो जैसे मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी संगठन जो भी निर्णय लेगा हम निर्णय के साथ हैं, और जो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी संगठन हमको देगा हम जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।